बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देसी एंड ड्यूटी चैनल में खुश आमदीद कहते हैं आपको। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत यूनिक सी रेसिपी शेयर करेंगे हम, जंगली कबाब। तो जंगली कबाब बनाने के लिए मेरे पास ये है चीज़ें, आप नोट कर लें। आलू हैं, बीन्स फली है, देसी फली भी इसको कहते हैं। ये गाजर है ब्रिक कटी हुई, इस तरह से मैंने काट ली है। हर चीज़ मैंने एक ही तरह से काटी हुई है। शिमला मिर्च है, ये भी इस तरह से कटी हुई है। बंद गोभी है, ये भी इसी तरह से कटी हुई है। और ये साथ में प्याज है, और ये कुछ तकरीबन 4 से 5 हैं हरी मिर्चें। अच्छा व्यूवर्स, ये व्यूवर्स बाकी चीज़ें आपने देख ली, आप नोट करें। आपकी ये कीमा है मेरे पास, चिकन कीमा है। मैंने इसको बहुत ब्रीक ब्रीक सा कर लिया है। ये इसमें धनिया जाएगा, सब्ज़ धनिया मैंने काटा है, ये जाएगा इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच, ये चला गया। अब इसमें ये बड़ी वाली प्याज जाएगी, बहुत बारीक बारीक काटी मैंने, बिल्कुल ऐसे जैसे क्रश की हुई है, इस तरह से। इसको हम बहुत अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो है गोश्त, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको मिक्स करना है। ये स्पाइस में है, ये मेरे पास कबाब मसाला है तकरीबन 1.5 चम्मच। 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, और हल्दी है 1 चम्मच, कुटी मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च है 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही नमक है। इस सारे स्पाइस को हम कीमे में शामिल कर देंगे, जिसमें हम अदरक लहसुन और प्याज शामिल कर चुके हैं। ये ब्रेड का थोड़ा सा चूरा जो मैंने इस तरह से कर लिया, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। ये तकरीबन 4 स्लाइस हैं, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो कीमे में इतने ठीक रहते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें व्यूअर्स। इस तरह से आपने, जिस तरह आप आटा गूंथते हैं, इस तरह से आपने ये इसका कबाब का जो मसाला है वो गूंदना है। अगर आप मिक्सी में डालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैंने मिक्सी में नहीं डाला, इसको ऐसे ही गूंदना मैंने हाथ से। तो इसको इस तरह से बिल्कुल यकजान सा कर लें बहुत अच्छे से व्यूअर्स। बहुत अच्छे से मैंने मसाला यकजान कर लिया। अब मैंने हाथों को लगाया थोड़ा सा ऑयल, तो इसको हम छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे कबाब बना लेने हैं, इतने से। ये देखिए व्यूअर्स, ये वाला इतना कबाब आपने बना लेना है, और इस तरह से आपने सारे कबाब बना के रख लेने हैं। व्यूअर्स कबाब मैंने बना लिए हैं, ये देखिए सारे इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से कबाब बन चुके हैं। मैंने 2 प्लेटों में इनको डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक में पूरे नहीं आ रहे थे, इस तरह से मैंने बना लिए हैं। अब चलते हैं इनको जंगली करने की तरफ। व्यूअर्स ऑयल में मैंने प्याज शामिल किए हैं इस तरह से। व्यूअर्स अब इसमें आलू जाएंगे। अब देखते रहिएगा कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पहले शामिल की हैं। अब ये आलू हो गए, और ये होगी बंद गोभी, और साथ ही बीन फली। ये सारे आलू, बंद गोभी और बीन फली साथ चलेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। जी बस इसको सिर्फ 2 मिनट मैंने फ्राई किया है। अब ये बाकी की दोनों चीज़ें भी, शिमला मिर्च और गाजर, ये भी जाएगी। हरी मिर्च भी शामिल कर दी इसमें। अब इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे, और देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर। और जब इसमें जाएंगे कबाब, तो क्या मज़ेदार बनेगा, जंगली कबाब। व्यूअर्स 2 मिनट तक मैंने इसको भी फ्राई किया है, और साथ हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बगैर तो आपको पता है किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, इसकी खुशबू शामिल ना हो तो कोई चीज़, हर चीज़। व्यूअर्स ये मेरे पास स्पाइस हैं, बहुत कम स्पाइस, दड़ा मिर्च है, कुटी मिर्च, 1 चम्मच नमक है, और 1 चम्मच ही तकरीबन सूखा धनिया यानी कि पिसा हुआ धनिया, ये इसमें डाला। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। व्यूअर्स तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। व्यूअर्स 1 चिकन क्यूब शामिल कर दिया। 1 चम्मच हमने इसमें सिरके की शामिल करनी है, सफेद सिरका, और इसको हमने 10 मिनट के लिए दम पे लगा देना, बिल्कुल इसको कवर कर देना। व्यूअर्स बिल्कुल स्लो आग पे इसको, जैसे दम लगाते हैं,
इसको 10 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया। व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर देखें, बहुत खूबसूरत सी ये कुक हो गई है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और आते हैं कबाब की तरफ। व्यूअर्स पैन में मैंने ऑयल डाला है और वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। वो हम इसमें ये कबाब इस तरह से शामिल करते जाएंगे। बहुत टेस्टी और यम्मी कबाब है, आप इस तरह बनाएं अपने हाथ बचा के। बस 1 मिनट तक इसको पकाया है, अब इसको इस तरह से हल्का हल्का सा टर्न करेंगे बड़े आराम से, ताकि ये टूटे नहीं। अवल तो ये टूटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप एहतियात ज़रूर करें। देखें बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ रहा है। इन सबको आप टर्न करते जाएँ और चारों तरफ से बहुत अच्छे से आप फ्राई कर लेंगे। ये बस बहुत अच्छे से कबाब हमारे गोल्डन हो गए हैं। इस तरह से हम दूसरे भी सारे गोल्डन कर लेंगे। व्यूअर्स कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं सारे, और जो हमने मसाला बनाया था जंगली, तो इसमें हमें ये कबाब जो हैं ये सारे के सारे इस तरह से शामिल करने हैं। ये सारे कबाब शामिल हो गए इसमें, तो हम इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। तो इस तरह से व्यूअर्स इसको हिलाएं। अब हमने क्या करना है, एक लेनी है कटोरी छोटी सी, कोयले लिए हमने कटोरी में रखे हैं, और इस पर हल्का सा ऑयल डाल देंगे और इसको कर देंगे बंद। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको बंद कर दिया हमने। व्यूअर्स बहुत अच्छे से ये जल्दी कबाब हो चुके तैयार। कोयला भी निकाल दिया मैंने, कोयला निकाल दिया है, और देखें इनकी खुशबू यम्मी बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं बहुत मज़े के जंगली कबाब। जी व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार से जंगली कबाब हो चुके हैं तैयार। इस तरह से आप रायता बनाएं साथ, बहुत टेस्टी सा मैंने रायता बनाया है। ये बनाएं साथ दही से, पुदीने से और मिर्ची से, मज़े का। और ये है जंगली कबाब आपके सामने, आप किसका कोई स्टेप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आप करेंगे तो फिर मज़े के नहीं बनेंगे। तो इस तरह से बनाएं आप जंगली कबाब, और मुझे दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।